शास्त्र में अत्यंत सुंदर अद्भुत वर्णन है। कोई भी व्यक्ति किसी भी परिवार में जन्मा हो, किंतु एक प्रमाणिक गुरु के, एक प्रमाणिक भक्त के निर्देशन में, डायरेक्शन में भगवत भक्ति का अनुशीलन करके वो व्यक्ति महान बन सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। जो क्षिप्र है, जो बहुत नीचे का स्थिति में है, वो महान बन जाता है जब वो महान की सेवा में नियुक्त तो होता है। तो इतिहास में अनेक इस प्रकार के उदाहरण है। श्रीमद् भागवत में कहा गया, अनेक बार कहा गया है, यह जिब्बाग्रे नाम तुभ्यम, कोई किसी भी योनि में जन्मा हो, किसी भी परिवार में, शूद्र, शूद्र से गए बीते परिवार में भी जन्मा हो, परंतु यदि उसके जीवा के आगे भगवान का नाम विराजमान है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो वो तुरंत दिव्य पद को प्राप्त करता है इस नाम के प्रभाव से, नाम जप के प्रभाव से, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं। तो ये जो सारे जन्म के आधार पर दोष की बातें की जाती हैं, ये सर्वथा निराधार हो जाती हैं उस समय, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दिव्य बन जाता है, ट्रांसेंडेंटल, प्रकृति के गुणों से परे, ठीक है, दिव्य। जैसा श्रीमद् भागवतम में कहा गया, एतत् निर्वर्तिमानानां इच्छितां अकुतो भयम् योगिनां निर्णयितं हरे नामानुकीर्तनम्। सभी ने इस बात का निश्चय किया, इस निर्धारण पर पहुंचे कि जो भगवान के दिव्य नामों में युक्त तो होता है, संलग्न होता है, वो सभी प्रकार के भय से, शोक से, मोह से पूरी तरह से निवृत्त हो जाता है, छूट जाता है। भगवान के दिव्य नामों के जप का ये प्रभाव है। श्रील प्रभुपाद जी ने इस बात को स्पष्ट किया, भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, नाम नामी में भेद न कोई, कीजिए कृपा वो मुरारी। भगवान का नाम भगवान से अलग नहीं है, क्योंकि ये परम है, भगवान परम है, इसलिए ये विशेष सुविधा है। हम भगवान की अनुभूति कर सकते हैं उनके नाम जप के द्वारा, ये नाम निरपराध हो, अपराध शून्य है, लह कृष्ण नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, कृष्ण र संसार करो जीवे दया सर्वधन। तो ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं, ये करने के लिए भी है। अपराध शून्य है, अपराध शून्य है, लह कृष्ण नाम। इस प्रकार से हम भगवान कृष्ण का नाम हमारी जिह्वा पर लाएंगे तो तुरंत वो व्यक्ति किसी भी परिवार, किसी भी योनि का हो, वो दिव्य हो जाता है, क्योंकि ये भगवान से अलग नहीं है, दोनों एक हैं, और भगवान का गुण है, भगवान है शुद्धम अपाप विद्धम, भगवान शुद्ध है, और इस प्रकार के स्वभाव है भगवान का कि जिसको स्पर्श करते हैं वो भी शुद्ध होता है,
जैसे पारस मणि जिसको स्पर्श करती है उसको सोना बना देती है, वैसे भगवान जिसको स्पर्श करते हैं उसको शुद्ध कर देते हैं तुरंत। ठीक है, तो इस गुण के कारण भक्तगण जो भगवान के दिव्य नामों का आश्रय लेते हैं, नाम का उच्चारण करते हैं, वे भी तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। ये इस विषय को समझने की आवश्यकता है। इसलिए ये जो सारे दोष की बात करते हैं, ऊंचा कुल नीचा कुल, इसका कोई प्रयोजन नहीं। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह विप्र किवन ऐसी शूद्र के बनाए जय कृष्ण तत्वता सही गुरु है। वही गुरु है जिसको कृष्ण भक्ति का विज्ञान मालूम है, जो लोगों को कृष्ण भक्ति का उपदेश देते हैं, सिखाते हैं और खुद भी आचरण करते हैं। ऐसे व्यक्ति गुरु के रूप में स्वीकार किए जाने चाहिए। वे सारे संसार को घोर यातना से बचा सकते हैं। दे आर कैपेबल। इस भगवान के दिव्य नाम के जप के द्वारा ये तुरंत व्यक्ति को दिव्य स्थिति में स्थापित करता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में अनेक जगह वर्णन है, दूसरी जगह ऐसा वर्णन है आभी रसुंब यवना खसादय की रात हूण पुलंद पुलकसा आभी रसुंब यवना खसादय ये अन्य च पापा यद अपाश्रय श्रया। जो भगवान के दिव्य नामों का जप करते हैं, भले ही वो बहुत ही छोटी जाति में पैदा हुए हों, कीरात हूण पुलंद पुलकसा आभी रसुंब यवना खसादय, यवन हो खस जाति का हो भील जाति का हो कोई भी हो, यह अन्य च पापा अनेक गृहित पाप कर्म करने वाला हो, यद अपाश्रय श्रय, किंतु जिसने भगवान के दिव्य नामों का आश्रय ले लिया है, ठीक है पैदा हुआ किसी भी जगह पैदा हुआ, परंतु आज भगवान के दिव्य नामों का आश्रय ले लिया है, तो भगवान विष्णु के दिव्य नामों का आश्रय लेने के कारण वो तुरंत दिव्य पद को प्राप्त करता है। और यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़े कुल में जन्म लिया, बहुत बड़े हाँ ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, परंतु यदि वो भगवत भक्ति नहीं करता है, ध्यान से समझिएगा, यदि वो भगवत भक्ति नहीं करता है निष्ठापूर्वक, तो वो महापतित माना जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस बारे में, भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा जो व्यक्ति भगवान के एक नाम का स्मरण करता है उसके सारे पाप कर्म, पापों का पुंज पर्वत जल करके समाप्त हो जाते हैं। परंतु साथ ही साथ जो भगवान को एक क्षण भूलता है उससे बड़ा कोई पाप है नहीं। तो इसलिए इतना आवश्यक है इस बात को ध्यान से गौर करना। भगवान ने बताया अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, जो तेषां सतत युक्तानां, तेषां सतत युक्तानां, हम भी भगवान का नाम करते हैं थोड़ी देर करके बाद में माला जोली को अलग रख करके फिर चलो नॉन तेल लकड़ी क्या करते हैं, नॉन तेल लकड़ी, हाँ इधर लकड़ी है ठीक है, प्रॉब्लम यहां पर है।
भगवान वहां पर कहते हैं सतत, सतत मतलब लगातार, सतत का मतलब लगातार। हम लगातार के लिए तैयार नहीं है, पार्ट टाइम करेंगे थोड़ा थोड़ा देर, तो कभी तो फुल टाइम के लिए सोचो। ठीक है भाई, अब तो समय आ गया, अब तो फुल टाइम का समय आ गया ना, अभी भी चॉकलेट दे रहे हो प्रभु जी, है कि नहीं है भाई, जीवन भर किया यही काम, अभी भी बोला ठीक है। तो इससे निकलने का प्रयास भक्त को करना चाहिए, सिंसियर प्रयास, जिससे हम भगवान की सतत सेवा में लगे। गोविंद नाम निकले जब प्राण तद से निकले, तो ऐसी हो जाएगा क्या, बोलने से गाएंगे हमने बड़ा अच्छा तान में गा रहे थे तो गोविंद नाम निकलेगा है? प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया, बहुत सुंदर उदाहरण, तोते को बहुत याद कराओ है? सुगा बोल सीता राम, वो प्रेम से बोलता है सीता राम राधे श्याम, वही बोलता है राधे श्याम, और फिर जब बिल्ली आके पकड़ती है तब क्या बोलता है, सीताराम नहीं, तो ऐसा ही होगा हमारा भी, ये हम सतही तौर पर करेंगे तो गोविंद नाम नहीं निकलेगा। ठीक है, यदि सचमुच गोविंद नाम निकले का स्थिति प्राप्त करना है तो गंभीरता से इसको स्वीकार करना पड़ेगा, सीरियसली इसका अभ्यास करना पड़ेगा बार बार। करत करत अभ्यास तब जड़मति होत सुजान, लगातार प्रयास करना पड़ेगा, बिना लगातार प्रयास के नहीं होने वाला है। तो इस गंभीरता से इस प्रयास को हम सबको संपन्न करना चाहिए, इसको स्वीकार करना चाहिए, जिससे हम अपने जीवन को सार्थक कर सके इसी जीवन में, ये बड़ा सरल है। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, श्रील प्रभुपाद की जय।